बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फर्स्ट न्यू लेक्चर फॉर ग्रेड 3 ऑफ SST। सो लेट्स ओपन योर SST वर्ड बुक एंड टेक्स्ट बुक। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर वर्ड बुक एंड हेयर वी हैव अ प्लानर, अ कंटेंट and the first one chapter is the solar system. Now open your textbook. So student, सबसे पहले हम इस chapter की reading करेंगे और इसमें जो basic concept दिए हुए about solar system वो हम उसको discuss करेंगे. So solar system क्या होता है? Solar system निज़ामे शमसी। So student, जैसा कि हम देख सकते हैं, आपको यहाँ पर picture given है एक, जिसमें आपको सोलर सिस्टम से मुतालिक कुछ बताया गया है। सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम डेट मूव्स अराउंड द सन इन द स्पेस एंड द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड द वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट, सोलर सिस्टम यानी कि निज़ामे शमसी में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स किसे कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं सियारों को, जो कि किसके गिर्द मूव करते हैं? सूरज के गिर्द, कहाँ पे? खला में। और उन प्लैनेट्स के नाम क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है उसका क्या नाम है? वेनस। सो द नेक्स्ट वन थिंग इज द सन। अब सूरज क्या है? सन किसे कहते हैं? सूरज। सो द सन इज अ ब्राइट स्टार। सन क्या है? एक ब्राइट स्टार है, एक चमकता क्या है? स्टार कहते हैं सितारे को। इट इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेज। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब दिन के टाइम पे रोशनी होती है तो वो किसकी वजह से होती है? सन की वजह से होती है। जब सूरज जो है वो चमकता है तो फिर हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। और वो रोशनी भी क्या होती है? गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज के अंदर क्या होती है? हॉट गैसेस होती है। एंड द लाइट ऑफ द सन इज़ वेरी स्ट्रांग। और जो सूरज की रोशनी है वो क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इट गिव्स अस हीट एंड द लाइट, जो हमें क्या देती है? हीट देती है, तवनाई देती है और रोशनी भी देती है। सन लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल द लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट, जो सूरज की रोशनी होती है वो किस किस के लिए ज़रूरी है? वो तमाम जानदार, यानी कि तमाम जानवरों के लिए भी, तमाम लिविंग थिंग्स उनके लिए भी, और जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके लिए भी क्या है? ज़रूरी है। सो ऑन द पेज नंबर 4 द नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, अर्थ क्या है? ज़मीन, वो प्लैनेट जिस पे जिंदगी जो है एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सियारा जिस पे हम रहते हैं। We live on the planet Earth and which is a third planet from the sun. And the Earth shows two type of movements. Student, हम जिस सियारे पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? Planet. और ये कितने नंबर पे है? ये third planet है। किससे? Sun से, सूर्य से। अब जो Earth है, ज़मीन है, वो कितनी types of movement यानी कि हरकत show करता है? Two types. First one को कहते हैं revolution and the second one is rotation. अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन एंड द अर्थ टेक्स 1 ईयर टू गो अराउंड द सन एंड दिस गिव्स अ सीजन ड्यूरिंग द ईयर। स्टूडेंट, सूरज जो के गिर्द कौन घूमता है? जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। और ये जो गर्दिश करती है जमीन की, गर्दिश किसके इर्द गिर्द? सूरज के इर्द गिर्द, उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। और स्टूडेंट्स, जो अर्थ है, ज़मीन जो है वो अपना चक्कर कंप्लीट करने के लिए, जो उसकी गर्दिश है किसके गिर? सूरज के गिर, वो कितना टाइम लेता है? 1 साल का टाइम लेता है। इट्स मीन 365 डेज। और इसी के नतीजे में हमें क्या मिलते हैं? सीजन्स मिलते हैं। जैसा कि हम एक्सपीरियंस करते हैं स्प्रिंग यानी कि बहार, समर हमें मौसम में गर्मा होता है, विंटर होता है मौसम में सरमा, और ऑटम मौसम में खजान। ये किस वजह से होता है? ये जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन, जिसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन।
नेक्स्ट वन इज अ रोटेशन, सेकंड द मोमेंट द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस. अब जो जमीन है वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब जो उसका अपना दायरा है जो उसके इर्द गिर्द जब वो घूमेगी तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं रोटेशन. एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट्स कंप्लीट वन रोटेशन इन द 24 आवर. स्टूडेंट जो जमीन जब अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है तो वो अपने सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर, मतलब उसको एक दिन लगता है. दिस गिव्स अस डे एंड द नाइट, जिसके नतीजे में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, डेज एंड नाइट. स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि जैसे जब जमीन की गर्दिश होती है तो हम देखते हैं कि जब जमीन जो है वो सूरज के सामने आ जाती है तो हम दिन को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे रोशनी हो जाती है. लेकिन जब जमीन की गर्दिश ऐसे होती है कि सूरज उसके सामने नहीं होता तो हमें क्या मिलती है, चांद मिलता है, मतलब रात के टाइम चांद होता है और हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, नाइट. एंड इट इज अ डे इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ डेट आर फेसिंग द सन एंड वाइल इट इज अ नाइट इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ डेट आर गोइंग फेस डेट इज नॉट फेसिंग द अर्थ. अब ये जो बात अभी हमने डिस्कस की कि जिस टाइम पे अर्थ जो है वो सूरज को फेस कर रहा होता है तो हमें क्या मिलता है, दिन का टाइम होता है, और जब सूरज को फेस नहीं करती जमीन तो हमें क्या मिलती है, नाइट को हम एक्सपीरियंस करते हैं. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोटेशन इट्स मीन द स्पिन और टर्न एंड द रेवोल्यूशन गो अराउंड, मतलब जब इर्द गिर्द घूमेगा तो वो क्या होगी, वो रेवोल्यूशन होगी, मीन्स के मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड रोटेशन द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस. और रोटेशन में कितना टाइम लेता है, अर्थ को कितना टाइम मिलता है, 24 आवर्स में वो अपना एक एक्सिस कंप्लीट कर देती है. और रेवोल्यूशन में वो जो अपना साइकिल है वो 365 डेज में कंप्लीट करता है. एंड रोटेशन का रिजल्ट क्या होता है, हमें क्या मिलता है, कॉजेज डे एंड नाइट एंड इन द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉज अ सीजंस. नाउ मूव टूवर्ड्स अ पेज नंबर 5. नाउ स्टूडेंट ऑन द पेज नंबर 5 इट्स द मून. अब जो हमारा लास्ट वन टॉपिक है ये क्या है, द मून. मून किसे कहते हैं, चांद को. मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आल्सो हैव मून्स सर्कलिंग अराउंड देम एंड आवर प्लैनेट अर्थ हैज ओनली द वन मून एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड इट टेक्स 29.5 डे टू मेक द वन फुल मून रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड दिस पीरियड कॉल्ड द लूनर और इस्लामिक मंथ. The moon has no light of its own and it just reflects the light of a sun and there is no air and the water on the moon. So student, first one, इसमें जो बात की गई है वो क्या है कि जितने भी planets है उनने कुछ में क्या है, moon है, मतलब चांद है, लेकिन जो हमारा planet है अर्थ उसमें कितने moon है, one moon है, जो कि हम किस time देखते हैं, रात के time. Second one thing क्या है कि जो moon है वो किसी गिर घूमता है, जमीन के गिर घूमता है, जबकि हमने सन के केस में क्या पढ़ा कि जो हमारी जमीन है वो सूर्य के गिर्द घूमती है, लेकिन जो मून है चांद है वो जमीन के गिर्द घूमता है. अब जो मून की मूवमेंट है किसके गिर्द, अर्थ के अराउंड जो उसकी मूवमेंट है उसको कितना टाइम लगता है, 29.5 डे, मीन्स वो उसको वन मंथ चाहिए होता है अपना सर्कल कंप्लीट करने में, जिसके रिजल्ट में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, मंथ. स्टूडेंट लूनर इन इस्लामिक मंथ से मुराद ये है कि जैसे कि मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, ये जितने भी इस्लामिक मंथ है ये हम एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि हम रमज़ान का महीना गुजारते हैं तो हमारे पास सम टाइम 29 या रमज़ान तक होता है, या 30 रोजे हमारे पास पूरे होते हैं. अब वो क्यों होते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मून. अब जो मून की गर्दिश होती है जमीन के गिर्द उसके नतीजे में समटाइम वो 29 दिन जो है 29 डेज में वो अपना जो साइकिल है वो कंप्लीट कर देता है, या समटाइम 30 डेज उसको लगते हैं. सो मून की जो मून जब रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, इस्लामिक मंथ मिलते हैं या लूनर मंथ. लूनर मंथ मीन जनवरी फरवरी है ये, लेकिन हमें जो है हम इन केस इस्लामिक मंथ में हम ज़्यादा इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इस्लामिक मंथ में हम देखते हैं समटाइम 29 डेज होते हैं, समटाइम 30 डेज. जबकि मून यानी कि चांद की अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती, और उसको जो रोशनी उसकी होती है वो किससे मिलती है, वो उसको सूरज से मिलती है. और जो चांद है उसके ऊपर कोई भी हवा
और कोई भी पानी का तस्वर नहीं है वहां पे, ना हवा एग्जिस्ट करती है, यानी कि नो एयर एंड नो वाटर ऑन द मून। सो यहाँ पर पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सन अर्थ एंड द मून, ये जो सन है सन के अराउंड क्या चीज मूव कर रही है, अर्थ। मीन जो हमारे अर्थ है वो किसकी गिर चक्कर लगाता है, सूरज की गिर, जबकि जो मून है वो किसकी गिर चक्कर लगाता है, अर्थ की गिर। सो स्टूडेंट, इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर सोलर सिस्टम की रीडिंग की और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा कि इसमें क्या था। आपने अपने पेरेंट्स की मदद से स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे आपने उनको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। होप सो के पेरेंट्स जो हैं इस क्रिटिकल कंडीशन में, कोविड की कंडीशन में, अपने जो अपने बच्चों को एज अ टीचर गाइड करेंगे और उनको जो है प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है उनको हर तरीके से गाइड करेंगे। सो स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड फिर अमान अल्लाह।